मैं आज आपके सामने जो है एमसीक्यूज लेके आई हूँ लर्निंग जर्नीज के, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आज 10 ही लिए हैं क्योंकि ये एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी ताकि बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ में आए लर्निंग थ्योरीज का. इस थ्योरी में जो है सारी लर्निंग थ्योरीज इन्वॉल्व रहेंगी, जैसे कि गुटेरियस की कंडीशनिंग थ्योरी है, या गुटेरियस की थ्योरी कॉन्टिग्युटी थ्योरी है, डॉलमेन थ्योरीज है. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम रहता है इसमें, तो कोशिश रहेगी कि मैं 10 क्वेश्चन जो एमसीक्यू के हैं वो कंप्लीट कर दूँ. राइट, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. ब्लैंक है, इज द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग. देखिए एसोसिएटिंग वर्ड समझ जाइएगा. ठीक है, वन अकरेंस विद अनदर अंटिल वन ऑफ द अकरेंसेस हैपेंस ऑटोमेटिकली, सो एज अ रिजल्ट ऑफ द अदर. इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर आंसर समझ में आएगा. फर्स्ट करेक्ट दिया इन्होंने बी, यानी कि कंडीशनिंग कहते हैं उसे. कंडीशनिंग क्या होता है? कंडीशनिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस होता है जो एसोसिएट करता है आपके वन अकरेंस को अदर अकरेंस के साथ. ठीक है, ऑटोमेटिकली. सो ये एक तरह से दो तरीके से उन्होंने बताए हैं, एक ऑपरेंट होता है, एक क्लासिकल होता है. क्लासिकल कंडीशनिंग इज आइसोलेटेड टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन एंड वाइल ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ट्रांसफरेबल टू सिमिलर सिचुएशन. सो जो सिमिलर होता है इज द सिचुएशन दैट कॉज एन इवेंट और इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ अकरेंस. तो आपको इस जो है एक्सप्लेनेशन से फर्स्ट का आंसर समझ में आया होगा कि कंडीशनिंग इज द राइट आंसर. चलिए सेकंड पे चलते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हुज रिसर्च लीड टू एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन द स्टडी ऑफ कंडीशनिंग. कंडीशनिंग में जो है किसका रोल रहा ज्यादा? तो ये वॉटसन आप समझ सकते हैं, बिहेवियरिज्म में था, पैवलोव थे या थॉर्नडाइक थे, नन ऑफ दी अबव या अबव, ऑल दी अबव. तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. इसका एक्सप्लेनेशन में आता है ई. आप समझ सकते हैं ई में क्या है, ऑल दी अबव. जो वॉटसन थे, इवान पावलोव या थॉर्नडाइक थे, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिस्कवरी ऑफ कंडीशनिंग में सबका रोल रहा है. पैवलोव इज अ नोबेल प्राइजर रहे हैं एंड पायनियरिंग रिसर्च रही है उनकी डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग में. वहीं वॉटसन जो थे इज अ फादर ऑफ बिहेवियरिज्म एंड वहीं थॉर्नडाइक जो थे एंड स्किनर जो है वर इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. सो इन टर्म्स में आप कहेंगे कि ऑल आर जो है कंसर्न विद द स्टडी ऑफ कंडीशनिंग. राइट, उसके बाद चलते हैं. कई बार ये क्वेश्चन आपको एक्चुअली कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था. अब थर्ड देखते हैं कि व्हाट नीड्स टू बी एडेड टू ए न्यूट्रल स्टिमुलस फॉर इट टू बिकम अ कंडीशन. की न्यूट्रल स्टिमुलस में क्या ऐड किया जाए जिससे वो कंडीशनड स्टिमुलस बन जाए. आपको अनकंडीशन स्टिमुलस, इसको आप UCS भी पढ़ते हैं, न्यूट्रल स्टिमुलस, या अनकंडीशन रिस्पॉन्स, इसको UCR पढ़ते हैं. कंडीशन रिस्पॉन्स और कंडीशन स्टिमुलस क्या ऐड करेंगे आप? थोड़ा सा टाइम देती हूँ मैं आपको. इसके आंसर्स पे चलते हैं. आंसर है ए, कि न्यूट्रल स्टिमुलस में अगर आपको कुछ ऐड करना है वो क्या रहेगा? अनकंडीशन स्टिमुलस. ठीक है, जैसे अनकंडीशन स्टिमुलस इज अ सिचुएशन या इवेंट होती है दैट कॉज क्या करेगा आपको? न्यूट्रल एंड अनकंडीशन रिस्पॉन्स को. रिस्पॉन्स को देखिए, न्यूट्रल जो होता है वो कोई रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करता. अगर आप सिंपल एक बेल बजा देंगे कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बेल के साथ में उसको फूड देते रहेंगे, ठीक है, तो वो कंडीशन्ड हो जाएगा. तो न्यूट्रल के साथ आपको एक अनकंडीशन्ड स्टिमुलस भी देना पड़ेगा. अनकंडीशन्ड स्टिमुलस नीड्स टू बी एडेड टू ए न्यूट्रल स्टिमुलस फॉर इट टू बिकम कंडीशन्ड स्टिमुलस. द अनकंडीशन्ड स्टिमुलस शुड बी एडेड इमीडिएटली आफ्टर द न्यूट्रल. क्योंकि जो पैवलोव थे उन्होंने नोटिस किया कि अगर मीट पाउडर है, जैसे उन्होंने अनकंडीशन स्टिमुलस बोला है, टू ए साउंड वॉज अ वेरी कंट्रोलिंग द रिस्पॉन्स थ्रू एसोसिएटिंग साउंड विद द मीट पाउडर. सो अनकंडीशन जो स्टिमुलस यानी कि जो साउंड है रिजल्टेड इन द सेम रिस्पॉन्स एज द कंट्रोल्ड और कंडीशन स्टिमुलस. सो जो रिस्पॉन्स है उसको क्या बोला गया? कंडीशन रिस्पॉन्स. बहुत थियोरेटिकल दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन में. मैं आपको सिंपल बोलती हूँ, अगर आप सिंपल एक बेल बजाएंगे वो कंडीशन नहीं कहलाएगा. जब आप सिंपल बेल के बाद एक UCS यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस ऐड करेंगे तभी कंडीशन रिस्पॉन्स मिलेगा. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. फोर्थ, द लॉ ऑफ इफेक्ट, बहुत फेमस लॉ है, किसका है? थॉर्नडाइक का, इज डिस्क्राइब्ड एज. चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं. इसमें पहले चलिए एक इनके वो पढ़ते हैं कि अ पॉजिटिव चेंज कहते हैं विच हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ बिहेवियर विद अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट द बिहेवियर विल बी डुप्लीकेटेड इन लाइक सिचुएशंस. राइट, पॉजिटिव चेंज बी पार्ट है. A positive change which happens as a result of behavior with a very high probability that behavior will not duplicate in like situations. So, क्या meaning होगा? इसका जो correct answer है वो है A.
a positive change happens as a result of behavior, there is a very high probability होती है कि वो उसी तरह की situation में दोबारा होगा. When negative change occurs as a result of behavior, there is extremely low chance of behavior happening again. So this is the essence of law of effect. Very good explanation, right? Next पे चलते हैं. Describe the defining difference between operant conditioning and classical conditioning. कोई डिफरेंस नहीं है. Their terms opposite हैं. या classical conditioning is a transferable to different situation, while operant conditioning is not transferable. D part में है, classical conditioning is transferable to similar situation, while operant is isolated to a specific situation. E part है, classical conditioning is isolated रहती है to a specific situation में. Very clumsy. तो हम इसका एक वो देखते हैं. Classical conditioning जो है, E part is correct answer है. Classical जो conditioning कहता है is isolated to a specific situation, while जो operant होता है वो transferable रहता है into a similar situation. आप समझ रहे हैं? This is defining the difference between operant and classical के बीच में जो difference है वो यही है कि जो classical conditioning रहती है वो एक specific situation में ही काम करेगी, जबकि जो operant है अगर आप similar situation में फिर से face करते हैं तो आप वही चीज उसको दोबारा use कर सकते हैं. तो इसका correct answer हम कहेंगे E है, right? Question number 6. Ringing a doorbell repeatedly until someone opens the door is an example of. क्या करेंगे अगर आप repeatedly किसी आप अगर कंटिन्यूसली किसी की बेल बजाएंगे तो वो क्या उसका रीइंफोर्समेंट रहेगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट या नेगेटिव पनिशमेंट? इसके एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं तो करेक्ट आंसर है बी. इसमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है. आप इरिटेट कर रहे हैं किसी को, अनप्लीजेंट जो है रिस्पॉन्स आएगा वहां से. तो देखिए नेगेटिव जो रीइंफोर्समेंट है इज डूइंग समथिंग अनप्लीजेंट टू एलिसिट अ पर्टिकुलर बिहेवियर. Negative punishment on the other hand is taking away or withholding something from the child because of unwanted behavior, like no television because of inappropriate behavior. तो किसी behavior को अगर आपको remove करना है तो उसके लिए अगर आप negative behavior दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए negative reinforcement है. कि जो positive reinforcement होता है एक reward होता है जिसमें child क्या करेगा कि money for grades, कि अगर आप अच्छे grades लाएंगे तो money मिलेगा. तो वो एक desired behavior आप लाना चाहते हैं. While positive punishment is adding something unpleasant because of unwanted behavior, such as scolding. किसी चीज में डांटना अगर आप कहेंगे तो वो positive punishment होती है. Punishment दे रहे हैं किसी अच्छी चीज के लिए, समझे? तो इसका correct answer होगा B, negative reinforcement. जो इसका seventh है, seventh question जो है इसको देखते हैं. The point of dash is to decrease the likelihood of undesired behavior. कि point of reinforcement या point of punishment कि ये इन चीजों का रोल क्या है वो बोल रहे हैं. इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं तो आंसर है पनिशमेंट. यानी जो पर्पस है पनिशमेंट का उसका क्या मेन जो रीजन होता है वो क्या होता है? डिक्रीज द अनडिजायर्ड बिहेवियर. जहां पर जो गोल होता है रीइंफोर्समेंट का वो इंक्रीज करना होता है लाइकलीहुड ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर. पनिशमेंट इधर इन्वॉल्व विद होल्डिंग समथिंग और डूइंग समथिंग. On the other hand, जो reinforcement है adds a negative or positive to achieve the desired behavior. So the correct one is punishment. कि the point of punishment is to decrease the likelihood of undesired behavior. जो behavior आप remove करना चाहते हैं उसके लिए आपको punishment का जो है role करना पड़ेगा. इसके बाद जो eighth question है उसमें देखते हैं ways in which behavior modification may be utilized in a classroom environment include behavior को modify अगर करना है तो कौन सी जो टेक्निक है आपको लगानी पड़ेगी ताकि बिहेवियर मॉडिफाई हो जाए. जैसे बच्चे अगर बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं या बच्चे लर्निंग में ध्यान नहीं दे रहे तो कौन सी ऐसी टेक्निक है जो उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करेगी? टोकन, कॉर्पोरल पनिशमेंट, प्लान इग्नोरिंग, कंटिजेंसी, कॉन्ट्रैक्टिंग या ऑल ऑफ द अबव? तो इसके एक्सप्लेनेशन कहती है ई. ये सभी टेक्निक्स अपना अपना रोल निभाती है. जहां आप टोकन इकोनॉमी है, आप टोकन देके, यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कोई टॉफी देके या किसी चीज का रिवॉर्ड देकर आप उसको जो है उसके बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं. कॉर्पोरल पनिशमेंट कई बारी अलाउड नहीं है लेकिन आपको समटाइम इन चीजों का भी सहारा लेना पड़ता है. प्लान इग्नोरिंग है, कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग है. इसे टोकन जो है इकोनॉमी और कंटिजेंसी जो है आर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, समझ रहे हैं? वही ऑन द अदर साइड जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है एंड प्लान इग्नोरिंग है वो पॉजिटिव पनिशमेंट का एग्जाम्पल है. तो ये डिफरेंट जो टेक्निक्स है समवेयर आपकी क्लासों में यूजफुल हो ही जाती है.
इसलिए कहा है कि वेज इन विच बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है वो इन सभी टेक्निक से लाया जा सकता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो है अ टेक्निक यूज टू एलिवेट अ चाइल्ड्स बिहेवियर टू ए डिजायर्ड आउटकम इन विच चाइल्ड इज शोन और टॉट हाउ टू बिहेव इन अ सिस्टमैटिक वे इज नोन एज। ये क्वेश्चन थोड़ा दोबारा पढ़ते हैं, ये क्या एक्चुअली क्या पूछना चाह रहा है कि एक टेक्निक ऐसी बताइए यूज टू एलिवेट अ चाइल्ड्स बिहेवियर टू ए डिजायर्ड आउटकम, जिस बिहेवियर में आप डिजायर्ड आउटकम चाहते हैं वो कैसे लाया जाए, वो टेक्निक बताइए। इन विच चाइल्ड इज शोन हाउ टू बिहेव इन अ सिस्टमैटिक वे, जिसमें बच्चे को बताएं कि किस तरह से सिस्टमैटिक बिहेव करना चाहिए। तो इसमें एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका, शेपिंग, यस द करेक्ट आंसर इज शेपिंग। तो शेपिंग इज अ टेक्निक होती है एक्चुअली यूज टू एलिवेट अ चाइल्ड्स बिहेवियर टू अ डिजायर्ड आउटकम इन विच चाइल्ड इज सिस्टमैटिकली शोन हाउ टू बिहेव इज नोन एज शेपिंग। एक्चुअली जो शेपिंग होती है बेसिकली मॉडिफाई करती है इनकंसिस्टेंट एंड अनवांटेड बिहेवियर को बाय टेकिंग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू अचीव द डिजायर्ड बिहेवियर, वेयर द प्री फैक्ट प्रिंसिपल जो है इज अनदर बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक होती है दैट यूजेज अ प्रेफर्ड एक्सरसाइज और गेम एज अ रीइंफोर्समेंट टू गेट डिजायर्ड बिहेवियर। तो इट्स अ टेक्निक होती है बट जो शेपिंग है इज करेक्ट आंसर। सो नो होमवर्क नो रिसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीमैक प्रिंसिपल इन यूज, ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। तो द करेक्ट आंसर हम कहेंगे कि शेपिंग जो टेक्निक है इज यूज टू एलिवेट आर चाइल्ड्स बिहेवियर टू ए डिजायर्ड आउटकम, राइट। उसके बाद जो लास्ट है क्वेश्चन, डैश इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर हैपनिंग, राइट। इसका जो है ऐसी कौन सा जो चीज है जो इंक्रीज करेगी प्रोबेबिलिटी किसकी बिहेवियर हैपनिंग की बिहेवियर हो, सेल्फ रीइंफोर्समेंट, सेल्फ रेगुलेशन, परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी, रियल सेल्फ एफिकेसी या वेरियस रीइंफोर्समेंट। तो इसका एक्सप्लेनेशन है वेरियस रीइंफोर्समेंट, जिसमें चाइल्ड क्या करता है एक आई विटनेस होता है सर्टन बिहेवियर का, इट विल इंपैक्ट करेगा चाइल्ड मोर एंड ऑफन इन्फ्लुएंस द चाइल्ड टू चेंज हिज ओन बिहेवियर, दिस इज नोन एज वेरियस लर्निंग इन ए कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इसमें क्या होता है या तो वो रीइंफोर्स करेगा या पनिश करेगा क्योंकि इट इज हाइडन द चांस ऑफ बिहेवियर हैपनिंग। सो ऑन द अदर हैंड जो केस पनिशमेंट होता है रिड्यूसेस और सप्रेस हाउ ऑफन अ बिहेवियर अकर्स। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ई कि दिस इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर हैपनिंग, या तो वो गलत करेगा या वो सही करेगा, तो ये हेल्प करता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज ऑल बेसिकली लर्निंग थ्योरी था जिसमें बेसिकली मैंने आज जो है क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग कवर किया है, और भी थ्योरीज मैं लेके आऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू।